एक वचन को हम सीख रहे थे कि परमेश्वर अपनी प्रसन्नता के समय हमारी सुन लेता है, और वहां लिखा हुआ था यशायाह की किताब में 49 अध्याय और उसकी 8वीं आयत को अगर नोट करो तो वहां अच्छे तरीके से लिखा है। यशायाह की किताब 49 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा क्या है कि परमेश्वर यों कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की, मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे और बंधुओं से कहे बंदी गृह से निकल आओ। ये आपके लिए आज का संदेश, निश्चय ही वो आपको बंधुआई से निकालने के लिए तैयार है और आपको आपके उजड़े हुए स्थानों को फिर से बनाने के लिए तैयार है। और वो क्या कह रहा है कि मैं अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। क्या आप वचन को सीख रहे हैं? क्या लिखा है? बोलिए लिखा है। परमेश्वर कह रहा है अपनी प्रसन्नता के समय उसने हमारी क्या की। किसकी प्रसन्नता महत्वपूर्ण है? यदि आप यीशु के साथ जी रहे हैं तो किसकी प्रसन्नता हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है? क्या आपकी स्वयं की प्रसन्नता? नहीं, परंतु परमेश्वर की प्रसन्नता। अगर प्रभु हम पर प्रसन्न है या परमेश्वर की प्रसन्नता हम पर है, उसका आनंद हम पर है, तो याद रखो कि वो हमारे उजड़े स्थानों को सही करेगा। किसी ने कहा कि मुझे ये चीज अच्छा लगता है, किसी बहन ने कहा कि मुझे ये चीज अच्छा लगता है, किसी भाई ने कहा मुझे ये काम करना ज्यादा अच्छा लगता है, ये कपड़े पहनना ज्यादा पसंद है। क्या आपके परमेश्वर को पसंद है? सवाल। आप जो अपनी जुबान से कह रहे हैं, क्या आपके यीशु को अच्छा लग रहा है? वह कह रहा है कि मैंने अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। वो ये नहीं कहता कि आपकी प्रसन्नता। मनुष्य बहुत सारी चीज़ों से प्रसन्न होना चाहता है, वो शायद संसार का सब्सटेंस है, संसार की बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो आत्मिक रीत से नहीं है। आप उससे प्रसन्न होना चाहते हो, आप उन चीज़ों से प्रसन्न होना चाहते हो जो आत्मिक क्षेत्र में उपयोगी नहीं है। शायद आपके पास बहुत ज़्यादा धन हो जाए, आप थोड़े समय के लिए प्रसन्न हो जाओ, आपके पास बहुत अच्छे कपड़े आ जाएं और फिर आप प्रसन्न हो जाओ, या आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएं जिससे आप अपने आप को प्रसन्न करने का उपाय करते रहो, तो वहाँ पर परमेश्वर की प्रसन्नता नहीं है। और इसीलिए आज प्रभु कह रहा है कि मैं किससे प्रसन्न होना चाहता हूँ, मैं मेरी प्रसन्नता हमारे प्रभु कहता है कि मेरे बेटे बेटियों के लिए आशीर्वाद होगा अगर वो आपको देखे और आप उसके इच्छाओं में काम करने के लिए अपने आप को तैयार करें, वहाँ पर है परमेश्वर की प्रसन्नता। जब वो आपकी ओर देखता है तो वो कहता है कि हाँ, ये मेरी बेटी मेरी इच्छाओं में चल रही है और मेरे मुताबिक काम कर रही है, वहाँ पर है परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का प्रेम। और लिखा वहां पर कि अपनी प्रसन्नता, हाथ उठा के बोलो परमेश्वर अपनी प्रसन्नता के समय क्या कर लेगा? क्या लिखा है? मैंने तेरी सुन ली। इसका मतलब यह है कि जब आप मसीह के क्षेत्र में आते हैं, जब आप यीशु के करीब आते हैं, चर्च ध्यान से सुने, तो आप अपने आप को खुश कैसे रखेंगे? ये उपाय करना बंद करो, परंतु ये उपाय करो कि परमेश्वर हम में कैसे खुश होगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? किसने कहा कि हे परमेश्वर मुझे दाहिने हाथ से चलना चाहिए? किसने कहा कि प्रभु मुझे बाएं हाथ से चलना चाहिए? परंतु प्रभु कहता है कि तुझे दाहिने हाथ से चलना चाहिए। अब आप दाहिने हाथ से जब चलना शुरू करोगे तो आप जानते हैं कि आपके लिए परमेश्वर उपाय करेगा, पर जब आप बाएं हाथ से चलना शुरू करोगे वहां पर परमेश्वर आपका उपाय नहीं करेगा। पर वो कहता है कि मैंने अपनी प्रसन्नता के समय मैंने अपने बेटे बेटियों की हर बातों को सुन लिया है। जब परमेश्वर खुद प्रसन्न होता है तो वो आप
के द्वारा जो आपने अपने जीवन में किया है उसको देख करके वो आपके लिए रास्ता तैयार करता है। कहिए आमीन। आप बातों को सुन रहे हो? इसलिए यशायाह 53 अध्याय उसकी तीसरी आयत को हमारे साथ पढ़ें तो वहां पर एक महत्वपूर्ण वचन आपके लिए दिया गया है। लिखा है कि वह तुच्छ जाना जाता है और मनुष्यों में मनुष्यों का त्यागा हुआ था और वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे, वह तुच्छ गिना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। बाइबल समझा रही है कि हमने मसीह का मूल्य नहीं जाना, हमने यीशु मसीह को कुछ और ही समझा पर वो कुछ और है। क्या कलीसिया ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग? देखो वहां क्या लिखा है, आखिरी शब्दों में पढ़ेंगे तो हमने यीशु का मूल्य ना जाना। अगर एक मनुष्य उसे अपने जैसा मनुष्य समझता है तो वह यीशु आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर आप यीशु को अपने जैसा समझते हैं वह आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आप सोचते हो कि हाँ जैसे मैं हूँ वैसा यीशु है, हाँ सेम आप हो, बिल्कुल सही है, पर याद रखो कि वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है। आपने अपनी ज़िंदगी को, आप पाप से जन्मे पर वो आत्मा से जन्मा हुआ है, आप में और उसके आसमान जमीन आसमान का फर्क है। याद रखो कि वो पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है, पर उसको हम अपने जैसा नहीं करें। देखो यहाँ पर लिखा क्या है कि वो तुच्छ, हमने उसका मूल्य न जाना। मनुष्य सोचता है कि बस जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा ही परमेश्वर भी चाह रहा है, जैसा मैं चल रहा हूँ वैसा परमेश्वर भी चलना चाहेगा। हम परमेश्वर को चलाने का अभ्यास करते हैं, हम प्रभु को डायरेक्शन देते हैं, हम प्रभु को दिशा देते हैं और कहते हैं हे प्रभु नहीं 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 आपका वचन ऐसा ही है। पड़ोसी को एक बार हिला के बोलो ये सब सही नहीं है। आप उसे हिलाओ एक बार, उसे लगे कि कोई मुझे, ये सही नहीं है, याद रखना ये सही नहीं है। आप सुन पा रहे हैं कि नहीं? नहीं नहीं, परमेश्वर मुझे बाएं चलना चाहिए, प्रभु कहता है नहीं बेटा तुझे दाहिना चलना चाहिए। नहीं नहीं मुझे बाएं चलना चाहिए, वो परमेश्वर कहता है तुझे दाहिने चलना चाहिए। यदि याद रखे अगर आप दाहिने साइड में चलते हैं तो आप परमेश्वर की प्रसन्नता को अपने घरों में प्राप्त करने वाले इंसान बनेंगे। यीशु के नाम है आमीन। हमने उसका मूल्य नहीं जाना और इस कारण हम मूल्यवान नहीं बनते, इस कारण हम मूल्यवान नहीं बनते, इस कारण उसकी उपयोगिता हमें हमारी जिंदगी को नहीं बना सकती प्रभावशाली, क्योंकि हम अपनी इच्छाओं से और अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। यहां पे लिखा हमने उसका मूल्य नहीं जाना, वो हमें मूल्यवान बनाना चाहता है। किसी ने उसे मारा, किसी ने उसे सलीब पे चढ़ा दिया, पर उसे पता नहीं था कि वो सलीब पर क्यों गया है। और वो सलीब पर तो थोड़े समय के लिए दुख में था, पर आपको पता होना चाहिए यीशु मसीह मुर्दों में से अर्थात उस मृत्यु को जो सबसे बड़ा बैरी है इंसान का, मृत्यु को हरा कर तीसरे दिन जी उठा है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।